एसएस मयूर। सो आज हम बात करेंगे चिपिंग एंड पेंटिंग। जहाज की मेंटेनेंस के लिए मतलब उसको 15-20 साल तक चलाने के लिए जहाज को उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरत है। उसकी बेसिक मेंटेनेंस है चिपिंग एंड पेंटिंग। सो लेट्स चेक आउट हाउ इट इज डन एंड व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू चिप एंड पेंट। बीच समुंदर में जहाज की मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं चिपिंग एंड पेंटिंग? वो इसलिए करते हैं कि जहाज की प्रोटेक्शन के लिए और डेकोरेशन के लिए। बोसन रोज सुबह काम देता है चिपिंग और पेंटिंग कौन कहाँ करेगा। तो फिर काम चालू होने से पहले अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, जो बोलते हैं PPE। ये जो दिख रहा है वो है रस्त, हाँ उसको ही क्रू चिपिंग करते हैं। चिपिंग करने के लिए बहुत सारे हथियार खिलौने हैं जहाज पे, जो कंप्रेस्ड एयर से चलते हैं, उसको बोलते हैं जो न्यूमेटिक मशीन्स। ये हवा होस कनेक्ट कर दिया मतलब चालू। यह आ गया है AK-47। कोने खोपचे में ये चिपिंग मशीन यूज करते हैं। ये है ऑटोमेटिक हथौड़ा। पहले के जमाने में इसी से ही काम चला ले। इसको बोलते हैं बफिंग मशीन और दूसरा नाम ग्राइंडर। चिपिंग करने के बाद दूसरा स्टेप है बफिंग करना। बफिंग करने के बाद इस प्रकार दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है पेंटिंग। जहाज में पेंट स्टोर रहता है जिसमें 1000 लीटर जितना पेंट रहता है। पेंट स्टोर में MSDS मैनुअल रहता है, विच स्टैंड्स फॉर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स। इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कैसे पेंट मिक्स करने का है, फर्स्ट एड मेजर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑल। पेंटिंग चालू करने से पहले मेक श्योर कि कचरा हटा दे मतलब साफ सफाई। पेंटिंग के लिए यह है पेंट रोलर और फर्स्ट कोट अप्लाई करने के लिए पेंट ब्रश यूज करते हैं। पूरा पेंटिंग प्रोसेस काफ़ी टाइम लगता है, 2 कोट प्राइमर के और फाइनली फिनिश कोट। मॉर्निंग और आफ्टरनून में चिपिंग करते हैं और इवनिंग में पेंटिंग। फर्स्ट कोट प्राइमर मार के उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं, फिर अगले दिन सेकेंड कोट मार सकते हैं। एंड एट लास्ट फिनिश कोट। तो ये था दोस्तों चिपिंग एंड पेंटिंग। होप यू लाइक माई वीडियो and don't forget to subscribe.